राम राम गुड इवनिंग जय हिंद साथियों मैं रवि आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंसपुर के ऊपर सबका स्वागत करता हूं बच्चा फटाफट एक बार सेशन का जुड़िए जरा ठीक है आज थोड़ी सी स्ट्रीमिंग में जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया हूं ठीक है चलो भाई सर कहाँ हैं अरे आ गया भाई आ गया सबको राम राम गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जय हिंद राधे राधे वाट एवर यू फील कनेक्टेड विद फटाफट एक बार सब लोग जुड़ जाइए जरा सेशन के साथ और फिर स्टार्ट करते हैं आज की आज की अपनी क्लास जल्दी से जल्दी एक बार जुड़िए ठीक है तो आज हम डिस्कस करने वाले मार्च के पार्ट थ्री के बारे में ठीक है चलिए चलिए बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया सबको भाई सत राम राम गुड मॉर्निंग आ गया भाई कहीं नहीं हूं कहा हुँ? सर आ गया आ गया आ गया <laughs> चलिए भाई जल्दी से एक बार फटाफट सेशन से जुड़िए जरा ठीक है आपका टारगेट जो है टू हंड्रेड प्लस है फटाफट आज जो टू हंड्रेड प्लस जो है ना जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग ठीक है सर एनडीए ऑफलाइन का बच्चे एनडी क्लासेस चल तो रही है आपकी आपकी एनडीए की क्लासेस चल रही है ना चलिए भाई ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के ऊपर आज बच्चा आज का आपका पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा चलिए बताइए जरा यूनियन मिनिस्टर में साइड में हो जाता हूं यहां पर ठीक है ताकि आप सब लोग जो है ना आराम से इसको देख लो और मैं एक बार लैपटॉप को इस कर लेता हूं ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है क्या है कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च विच पोर्टल टू फैसिलेट द नेटवर्किंग ऑफ द वुमेन स्टार्टअप बताइए भाई कि भाई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महिलाओं के स्टार्टअप की नेटवर्किंग की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है आपका आज का दिन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा भाई चलिए फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से देन फिर बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर आंसर दीजिए मुझे फटाफट आंसर दीजिए क्या आंसर होगा इसका आपका ए ए ए बहुत बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया सबका सही आंसर आ रहा है बच्चे सबका सही आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जिनका भी सही आंसर वन है वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका उद्धम सखी तो उद्यम सखी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चा ठीक है तो आज का आपके पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका उद्यम सखी तो उद्यम सखी जो है वो पोर्टल लॉन्च किया है आपके वुमेन्स के लिए ठीक है ना इसके अलावा मैंने आपको बताया था फेसबुक ने प्रगति लॉन्च किया है ठीक है ना इसके अलावा फेसबुक ने क्या किया है प्रगति लॉन्च किया है आपका ठीक है ना मैंने बताया भी था कल वाली क्लास में लास्ट वाली क्लास में ठीक है ना चलिए बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर वर्ष 2020 के लिए दुनिया के 100 रणनीतिक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है बताइए भाई आपके टॉप हंड्रेड स्ट्रेटेजी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हमारे देश का कौन सा हवाई अड्डा चुना गया है जल्दी बताइए आप सैनी कुमार सर बच्चा अभी तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना अभी तो बंद है तो इसलिए जो है ना बच्चा सैनी कुमार सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है इसलिए जो है ना ऑफलाइन तो क्लासेस अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे ना ठीक है बच्चा कौन सा फोटो दिखाया जाएगा भाई सौरभ कुमार सर कौन सा फोटो दिखाया जाएगा चलिए आंसर बताइए बच्चा क्या हुआ इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाए बच्चा ए ए ए ए अरे जेवर इंटरनेशनल होगा ना भाई जेवर होगा ठीक है ना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा जयवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताइए जरा मुझे फटाफट बताइए कि आपका जयवर इंटरनेशनल कहां पर है बताइए जरा जयवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहां पर जल्दी बताइए फटाफट बताइए मुझे आपका जयवर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहां पर है बच्चा कोई अप्रोच डेट नहीं है आपकी कि कब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी बच्चा ठीक है जल्दी बताइए भाई आई एम फ्रॉम जेवर ठीक है ना कैंपे गोड आपका कौन सा है भाई बेंगलुरु का है ना कैंपे गोड आपका कौन सा है बेंगलुरु का एयरपोर्ट हो जाएगा जेहरा आपको पता ही है नोएडा में है नोएडा में बन रहा है तो आपका कहां हो जाएगा यूपी में हो जाएगा आपका राजीव गांधी आपका कौन सा है? हैदराबाद है ना मैंने बोला था ना कि राजीव गांधी ने बाहर शादी कर ली सोनिया गांधी थे सब सब लोग क्या थे हैरान थे और चेन्नई का आपको पता ही चेन्नई का या फिर उसको क्या बोल देते हैं बच्चा अन्ना इंटरनेशनल ठीक है ना अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए भाई बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर महाराष्ट्र कैबिनेट ने महाराष्ट्र कैबिनेट ने के रूप में मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव किया है बताइए भाई मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो आपका है ना भैया उसका नया नाम क्या हो जाएगा बताइए जरा मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नया नाम क्या हो जाएगा <laughs> जल्दी 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 एक्स वाई ग्रुप टॉपर चलिए भाई फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए वन एक सौ दस तो ना के बराबर वो है बच्चा फटाफट करो बच्चे नाम बताओ ठीक है नाना शंकर नाम दे बिल्कुल सही हिमांशु हिमांशु सर का बिल्कुल सही आंसर आया है देखो बच्चा आप बाकी सारी चीजों के बजाय है ना बाकी सारी चीजों की बजाय आप ट्राई करा करो कि क्वेश्चन का आंसर दो ठीक है ना बिल्कुल सही आंसर आया बच्चे क्या देगा नाना शंकर सेठ तो नाना शंकर सेठ के नाम के ऊपर हमने क्या कर दिया बच्चा आपके मुंबई सेंट्रल का नाम क्या कर दिया नाना शंकर सेठ के पर ठीक है ना भाई तो नाना शंकर सेठ आपको याद रखना है ठीक है तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुंबई सेंट्रल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो क्या कर दिया गया बच्चा नाना शंकर सेठ कर दिया गया ठीक है चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर हु वॉज ऑनर्ड विद द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ़ युगांडा बताओ भाई युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बताइए ठीक है ना और मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में करवाया भी था किसका करवाया था बताओ जरा ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च या फिर सर्वोच्च से कौन किस महिला को सम्मानित किया गया था बताओ जरा ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है ऑस्ट्रेलिया का वो किन्हीं मिला था बताइए जरा दो क्वेश्चन आपके रिलेटेड है ये युगांडा का सबसे बड़ा है हम पुछ, मैं पूछ रहा हूं आपसे ऑस्ट्रेलिया का डी 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 बहुत बढ़िया भारतीय रंग को बिल्कुल सही आंसर आया है डी ठीक है तो राजेश चपलोत तो राजेश चपलोत को जो है वो युगांडा का सबसे हाईएस्ट सिविलियन मेडल मिला है बच्चा मुझे बताओ फटाफट कि ऑस्ट्रेलिया किन को मिला था ऑस्ट्रेलिया वाला सर रैंक का कैसे पता लगेगा अनाउंसमेंट हो जाएगी बच्चा रैंक की रिगार्डिंग अनाउंसमेंट हो जाएगी आपकी राजेश प्रजापति बच्चा गु, गुरु गुरु दीक्षि बैच में मेरा पीडीएफ जो है वो लगा हुआ है नहीं लगा हुआ तो लग जाएगा बच्चा सोलो फ्रेंडरी का बिल्कुल सही आंसर आया है भाई डरी का ही बिल्कुल सही आंसर आया अभी तक किसी का आंसर नहीं आया जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चा वो आप बताते नहीं हो सर ठीक है ना कमलेश सर थैंक यू सो मच वेलकम बच्चा तो ऑस्ट्रेलिया का बताया था मैंने किरण मजूमदार है ना किरण मजूमदार को जो मिला है ऑस्ट्रेलिया का मिला है और राजेश को किसको मिला है भाई युगांडा का मिला ठीक है ठीके? चलो बढ़ते हैं 19वीं जीएसटी परिषद की बैठक में मोबाइल फोन के जीएसटी को 12% परसेंट से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बताइए बच्चा अब मोबाइल फोन के ऊपर कितना जीएसटी जी लगेगा जल्दी बताइए फटाफट हा वट एवर यू फील कनेक्टेड अजय गौतम सर पंद्रह परसेंट तो कोई रेट ही नहीं है बच्चा पंद्रह परसेंट आप जो बोल रहे हो सोलह परसेंट पंद्रह परसेंट तो ये तो रेट है ही नहीं ना तो बिल्कुल सही आपका क्या हो जाएगा बच्चा अठारह परसेंट हो जाएगा ठीक है ना पंद्रह सोलह सत्रह तो ये तो रेट है ही नहीं तो सिंपल सी बात है ये तो आपका आंसर होने ही वाला नहीं है रेट ही नहीं है जीएसटी की तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका अठारह हो जाएगा ठीक है ना कौन कौन सी रेट है भाई जीरो है पांच है बारह है अठारह है और अट्ठाईस है ये पांच पर पांच पांच रेट है ना ये सिंपल सी बात है ठीक है ना तो बताओ जरा इसमें से आपके तो कोई जीएसटी का रेट है ही नहीं एक को छोड़कर अठारह को देखो कितना आसान क्वेश्चन था अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो ठीक है ना बच्चा तो आपको पता होना चाहिए ठीक है मुझे फटाफट बताओ जरा मुझे फटाफट बताओ जरा कि जीएसटी जो है ना जीएसटी जीएसटी डे कब बनाते हैं और सबसे पहले वर्ल्ड में जीएसटी किस देश ने लागू किया था बताओ फटाफट हम जीएसटी डे कब बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी किस देश ने अपने यहां लागू किया था जल्दी बताइए फटाफट बहुत बढ़िया शानदार आप लोग बहुत सही आंसर दे रहे हो बच्चा बताइए भैया मी के ब्रांड एम्बेस के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है बताइए फटाफट बताइए रियल मी के लिए अट्ठाइस किस पे लगता है बच्चा अट्ठाइस लॉटरी पे लगता है ठीक है ना अट्ठाईस अगर आपसे पूछा जाए तो हाल ही में हमने लॉटरी के ऊपर बच्चा हाल ही हमें हाल ही में हमने लॉटरी के ऊपर जो लगाया है बच्चा टैक्स वो लगाया है वो अट्ठाइस परसेंट लगाया है ना, 28 लगा है हाल फिलहाल में लॉटरी के ऊपर ठीक है और लॉटरी किसने बैन की है सारी की सारी लॉटरी सबको पता ना किसने बैन की है ना बताया भी था मैंने किसने बैन की है पंजाब ने की है ठीक है ना ठीक है ना और पंजाब में ही हाल फिलहाल में कौन सा उत्सव मनाया था हमने होला मोहल्ला है ना ठीक है तो देखो ऐसे चीज याद रखो ऐसे चीज याद रखो अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी ठीक है रियलमी सलमान खान रियलमी सलमान खान बिल्कुल सही रियलमी का बिल्कुल सही है सलमान खान पर फीमेल में कौन बच्चा फीमेल में कौन है अनुसा मैम का बिल्कुल सही आंसर आया है बीस नहीं होगा अनुसा मैम बीस नहीं है 28 हो जाएगा बच्चा फ्रांस अलका चौहान मैम का बिल्कुल सही आंसर आया फ्रांस फ्रांस बिल्कुल सही बच्चा एल्कोहल के ऊपर कितना लगता है एल्कोहल जो है वो इस कैटेगरी से बाहर है ठीक है ना एल्कोहल हो गया आपका एल्कोहल होगा इसके अलावा आपका एयर टर्मिनल फ्यूल हो गया पेट्रोल हो गया डीजल होगा, ये आपकी जीएसटी से बाहर है ठीक है ना ये जीएसटी की श्रेणी से बाहर है मतलब सिंपल सी बात है इनके ऊपर अट्ठाइस से भी ज़्यादा टैक्स लगता है आपका ठीक है चलो ठीक है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा सरदा कपूर हो जाएगा ठीक है सरदा कपूर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सरदा कपूर हो जाएगा अगर आपसे क्या किसका पूछा जाएगा बच्चा फीमेल का फीमेल का और मेल का आप सब लोग जैसे बता ही रहे हैं मेल का तो आप सब लोग बता ही रहे क्योंकि मैंने आपको करवा चुका हूं मैं ये ये मैं करवा चुका हूं सलमान खान सलमान खान ठीक है ना मेल का मैं बता चुका हूं सलमान खान ठीक है ना ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया जबरदस्त फटाफट एक बार सेशन को बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए चलिए बहुत बढ़िया ठीक है तो यहां तक आपको सबको यह समझ में आ गया है चलो बात करते हैं अगला, अगला क्या है भाई एकातेरिनी सेलोपुल किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है बताइए भाई एकातेनी को बताइए जरा कौन से किस देश की जो है वो महिला राष्ट्रपति बनी है पहली वाली एल्कोहल पर जीएसटी नहीं है बिल्कुल सही राजेश प्रजापति एल्कोहल पर, पर जीएसटी क्योंकि एल्कोहल जीएसटी वाली कैटेगरी में आता ही नहीं है एक जुलाई को होता है जीएसटी डे बहुत बढ़िया भाई अनिके से कुछ बिल्कुल सर अतुल पांडे सर मैंने कुछ नहीं किया है सोलो फ्लैंडरी हो रहा है बच्चा ऐसा कुछ नहीं किया मैंने राम राम भाई सबको राम राम फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दो तो जरा ठीक है ना 150 जो वॉचिंग आपकी इसको ना दोस्तों से तो लेके जाओ चलिए भाई जल्दी से बताइए जरा किसका सही आंसर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्या आंसर इसका ग्रीक हो जाएगा बच्चा पोलैंड नहीं होगा ग्रीक होगा ग्रीक ग्रीक आई थिंक बिल्कुल सही अनुषा मैम का बिल्कुल सही आंसर आया बच्चा बिल्कुल सही अनुषा मैम का बिल्कुल सही आंसर आया क्या हो जाएगा ग्रीक हो जाएगा तो ग्रीक बच्चा ठीक है ना ठीक है तो सेकेलो पोलू जो है वो किन की किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई बच्चा ग्रीक बन गई है ठीक है ना ठीक है मुझे फटाफट दीजरा कि ग्रीक की कैपिटल क्या है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीक ग्रीस की कैपिटल क्या है फटाफट कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस टी पर कि की की एक नई पहचान प्रजापति मिली आ, मिली प्रजाति है ये, ये, किसके नाम पर रखा गया बताओ भाई ट्री हॉपर जो है आपका उसकी एक नई प्रजापति प्रजाति मिली है बच्चा प्रजापति बोल रहा हूं बार बार प्रजाति मिली है वो प्रजाति किसके नाम पर रखी गई जल्दी से बताइए फटाफट प्रणाम गुरुदेव जी विराट सर प्रणाम अभिनय रहो शेर सब इस, एथेंस एथेंस बहुत बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया एथेंस सबका भाई सब बहुत बढ़िया नहीं नहीं सबका गलत आंसर आ रहा है सी किसका है विवेक सिंह कुशवासर का बिल्कुल सही आंसर आया है विवेक सिंह कुशवासर का बिल्कुल सही आंसर आया है क्या हो जाएगा बच्चा आपका लेडी गागा हो जाएगा लेडी गागा हो जाएगा ठीक है ना बच्चा क्या हो जाएगा आपका लेडी गागा तो लेडी गागा के नाम के ऊपर लेडी गागा के नाम के ऊपर हमने क्या किया बच्चा लेडी गागा के नाम पर हमने क्या किया है उस ट्री होपर की नई प्रजापति प्रजाति का नाम रखा है ठीक है तो ट्री होपर की नई प्रजाति के ऊपर जो है वो किसका नाम रखा गया बच्चा लेडी गागा के नाम के ऊपर उनका नाम रखा गया है ठीक है भाई चलो बहुत बढ़िया ठीक है आप जो ग्रेटर थनबर्ग की बात कर करें ना बच्चा उसके ऊपर भी रखा गया है ठीक है ना वो उसके ऊपर भी रखा है पर वो गेंगे की है वो गेंगे की है मैंने बताया था कल वाली लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था आपकी प्रीवियस वाली क्लास में मैंने बताया था वो गेंगा था बच्चा ये ट्री ट्री हो पर है ठीक है ना इसीलिए तो ये दोनों चीजें मैंने डाली है चलो बताओ किस अधिनियम के तहत केंद्र ने राज्य सरकारों को कोरोना वायरस के खिलाफ निवारक उपाय करने के लिए अधिकृत किया है बताइए भाई किस किस अधिनियम के तहत जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहे अनुसार काम करेगी बताइए रंजीत कुमार थैंक्स फॉर द चेंज बैकग्राउंड कलर भाई भैया आप जो बोलो हाँ बिल्कुल मैम अनुषा मैम बिल्कुल सही स्वीडन की है रंजीत कुमार सर आप बोलो बस आपकी आपकी आज्ञा है बस बताइए जरा अपेडमिक डिजास्टर एक्ट कब आया था मुझे बताओ फटाफट एक एपेडमिक डिजास्टर जो है बताइए जरा कब आया था एक्ट आपका तो महामारी रोग अधिनियम बच्चा कब आया था बताइए फटाफट जल्दी बताइए फटाफट बताइए बच्चा अरे क्या अब इससे पहले नहीं आया था बच्चा यही है बहुत पुराना वाला है ये आज का नहीं है ठीक है ना एकेडमिक डिजीज एज एटीन हो जाएगा ठीक है ना 1997 मत करो 1997, मत करो 1897 हो जाएगा ठीक है ना बहुत पुराना है ये आपका चलो बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर कार्गो वेयर हाउसिंग सुविधा का निर्माण करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है बताइए भैया कार्गो वेयर हाउसिंग सुविधा का निर्माण करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है चलिए भाई रंजीत सर लव यू टू बच्चा फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आपकी ये रिविजिंग क्लास है मेरी कमेंट ही टाइम आउट कर दिया गया है आपने जाने कि मैंने तो सिर्फ आंसर दिया था आईडी अतुल पांडे सर सोलो फ्रेंडली के साथ कुछ नहीं किया गया है वो एक बार चेक कर लेंगे ठीक है बच्चा यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ मैं सिर्फ क्लास पढ़ा रहा हूँ यहाँ कोई नहीं बैठा हुआ आपका ठीक है तो डोंट वरी ठीक है और मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ नहीं ठीक है एयर इंडिया नहीं हो जाए एयर इंडिया नहीं होगा स्पाइस जेट हो जाएगा अगर आपका सही आंसर क्या आ जाएगा स्पाइस जेट सी 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 बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई सबका जो सही आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जिन्होंने क्या 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 किया बच्चे स्पाइस जेट ठीक है ना तो स्पाइस जेट जो है वो आपका कार्गो वेयर हाउसिंग सुविधा वाला देश की पहली एयरलाइंस बन गई है ठीक है बिल्कुल सही चलो भाई बढ़ते हैं किस राज्य ने फुलदेही त्यौहार बनाया है बताइए अभी कल भी मैंने बताया था इसके बारे में कल भी बताया था आपके कमेंट में भी बताया था मैंने उस कमेंट को रीड भी किया था फटाफट बताइए जरा बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए ठीक है ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा पीडीएफ क्यों नहीं डालता ऐप के ऊपर दुविधा है सर ये भी ठीक है आज मैं यही काम करने वाला हूँ आज रात में मैं नहीं सोने वाला आज रात में आपकी सारी की सारी पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके और आज अपलोड करवाऊंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ राहुल कुमार सर मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं ठीक है यूके 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 बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई सबका सही आंसर आ रहा है यूके यूके उत्तराखंड भाई बिल्कुल सही तो उत्तराखंड अगर बात करें तो आपका फूल देही ठीक है ना और आपका सबको बताओगे ना फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है ना फूलों की घाटी फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहा है बच्चा वैली ऑफ फ्लावर कहां आपका उत्तराखंड में है ठीक है ना वैली ऑफ फ्लावर कहां पर है उत्तराखंड में अच्छा एक बात बता दे रहा पिन वैली कहां पर है पिन वैली ठीक है ना पिन वैली कहां पर है पिन वैली और दूसरा एक और बता दे रहा साइलेंट वैली साइलेंट वैली ये दो बताओ दे रहा कहाँ पर है ठीक है ना वैली ऑफ फ्लावर तो मैंने बता दिया वैली ऑफ फ्लावर तो मैंने बता दिया आपको उत्तराखंड में मुझे फटाफट बताओ कि पिन वैली और साइलेंट वैली कहाँ पर है ये दोनों आपके नेशनल पार्क हैं ये दोनों आपके नेशनल पार्क है बताओ दे रहा कि कहाँ पर है बढ़ते मैंने पूरी सोल्ट्री के साथ महिला 2019 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार तो किनको मिला है साइलेंट वैली केरला बिल्कुल सही बिल्कुल सही पिन वैली हिमाचल प्रदेश सोनू यादव मेरठ बहुत ही बढ़िया भाई शानदार मतलब भाई साहब मतलब मैं कह रहा हूं कि सबके सही आंसर आ रहे बिल्कुल सबके सही आंसर आ रहे हैं भाई ठीक है ना मतलब आप लोग जो है ना भैया आप लोग जो है ना मेरा जो है ना बस मेरा आना यहाँ पर सफल कर देते हो ठीक है ना आप सबको बहुत सारा प्यार बच्चा आपको सबको बहुत सारा गॉड ब्लेस यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा और बच्चा जब भी आप आंसर दो ना जब भी आप आंसर दो कि क्वेश्चन का नेम लिखो जैसे कि बारह और बारह के सामने फिर वो लिखने की कोशिश करा करो ठीक है चलिए फटाफट बताइए जरा बिल्कुल सही आरफा खान शेरवानी बच्चा किन को मिला है आरफा खान खानम शेरवानी ठीक है आरफा खानम शेरवानी जो है उनको मिला है ठीक है ना तो याद रखना कि चमेली जो है ना चमेली देवी जो है वो क्या पहन के खड़ी हुई है शेरवानी पहन के खड़ी हुई है ना तो चमेली देवी क्या पहन के खड़ी हुई भाई शेरवानी पहन के खड़ी हुई है बताओ भाई मिशन सोर चरखा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था बताइए भाई मिशन सोलर चक्रा चरखा जो है वो किसने स्टार्ट किया था कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था फटाफट बताइए जरा डी 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 अनुसम का बिल्कुल सही आंसर है अंकित अमित अमित का बिल्कुल सही आंसर है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया था बहुत बढ़िया भाई डी हो जाएगा भाई बिल्कुल सही एम एस एम ई बच्चा मिनिस्टर ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ ए माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज मुझे फटाफट बता रहा हुई मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु इज द एम एस एम ई मिनिस्टर ऑफ इंडिया बताइए फटाफट बताइए जरा एक क्वेश्चन आपका मिनिस्टर से भी पूछा जा सकता है बताइए जरा हु इज द मिनिस्टर ऑफ इंडिया जल्दी से बताइए जरा आप लोग हु इज द एम एस एम ई मिनिस्टर ऑफ इंडिया करिए बिल्कुल सही बिल पिन वैली एमपी में नहीं है अनुसा मैम पिन वैली एमपी में नहीं है पिन वैली जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है भाई बिल्कुल सही नितिन गडकरी अरे नरेंद्र मोदी कहां से हो जाएंगे नितिन गडकरी बच्चा कौन हो जाएंगे आपके नितिन गडकरी ठीक है चलो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन आपका क्या है मुंबई और मांडवा के बीच रोपेक्स नाम की यात्री फेरी सेवा का शुरू किया जा रहा है नौका किस देश ने बनाया बच्चा तो एक तो आपका क्वेश्चन यही मैंने आपका डाल दिया इसके अंदर कि जो आपका रोपेक्स है रोपेक्स जो है उसका नाम रख दिया बच्चा क्या रोपेक्स तो रोपेक्स जो है बच्चा वो किस, -किस के बीच में है आपके मुंबई से मांडवा के बीच में मुंबई से मांडवा के बीच में ठीक है ना और जो फेरी चलेगी तो उसमें जो नौका जो है वो किस देश ने बनाई है बताइए बच्चा जो फेरी के अंदर जो नौका चलेगी आपकी उसके अंदर वो देश किस देश ने बनाई है बच्चा फटाफट जरा राहुल कुमार सर ना मेरे सपने में श्रद्धा कपूर आती है ना मेरे सपने में शक्ति कपूर आएगा ठीक है बच्चा मुझे सपने आते ही नहीं पहली बात तो मेरे को सपने आते ही नहीं मुझे याद नहीं कि लास्ट सपना कब आया था ठीक है पर कोई बात नहीं <laughs> जल्दी से जल्दी बताए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रशिया नहीं होगा बच्चा रशिया नहीं होगा किसी का भी सही आंसर नहीं आया अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है अभी तक रशिया गलत आंसर हो जाएगा अरे यार किसी का भी सही आंसर नहीं आ रहा है ग्रीक हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा इसका ग्रीक हो जाएगा ठीक है ना इसका क्या हो जाएगा ग्रीक हो जाएगा ठीक है ठीक है और अभी बताया था ना एका तिरी एकातिरिने एक मतलब एकम पहली पहली बनी थी क्या महिला राष्ट्रपति किसकी बच्चा है? ग्रीक की ठीक है ना चलो बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका देखते हैं भारत में कितने संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा बताओ भाई आपकी कितनी संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएंगी जल्दी से बताइए फटाफट आप सोएंगे तो सपना आएगा ना <laughs> बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप जो है ना वन सेवनटी वन वॉचिंग वो वन सेवेंटी वॉचिंग है एक बार फटाफट एक बार क्या कर दीजिए सेशन को एक बार एक बार फिर से आप सब लोग मिलकर जिन्होंने एक बार शेयर किया था एक बार फिर से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बच्चा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया तीन हो जाएगी बच्चा बहुत बढ़िया अलका चौहान मैम का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तीन तो आपकी तीन संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगी कितनी आपकी तीन संस्कृत विश्वविद्यालय को हम कौन सा विश्वविद्यालय बना देंगे बच्चा केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देंगे याद रखना तीन ठीक है ना नीदरलैंड के कार निर्माता पी ने अपना विनम्रांड संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थापित करेगा तो भाई देखो ये फ्लाइंग और कार बनाने वाली कंपनी है ये आपकी पीएल जो है ना ये आपकी जो फ्लाइंग कार बनाने वाली है फ्लाइंग कार बनाने वाली है ना और इन्होंने बोला है अभी भी हाल ही में कि भाई हम कहां अगर बात करें हम कहां पर अपना काम करेंगे बोलते सर जहां दिन रात काम किया जा सके है ना फ्लाइंग कार तो भाई तभी बन पाएगी ना तो नॉर्मल कार तो कोई भी बना देगा फ्लाइंग कार तो तब बनेगी ना भाई जहां पर क्या करना पड़ेगा दिन रात काम करना पड़ेगा बच्चे क्या हो जाएगा गुजरात ठीक है चलो किस रेलवे स्टेशन ने ब्रेल में साइनेज और मानचित्र पेश किया है बताइए भाई आपका ब्रेल लिपि होता है ना आपका सबको पता ना ब्रेल लिपि जो होता है जो आपके बेसिकली हमारे जो दिव्यांग साथी जो होते हैं नेत्रहीन साथी साथी जो होते हैं उनके लिए लुइस ब्रेल साहब ने आपकी एक ब्रेल लिपि बनाई थी ठीक है तो उस ब्रेल लिपि के ऊपर के हमारे देश का कौन सा रेलवे स्टेशन जो है जिसने उसको ये प्रस्तुत किया है जल्दी से जल्दी बताइए जरा जम्मू नहीं होगा बच्चा लखनऊ भी नहीं होगा जम्मू लखनऊ अभी तक दो ही आंसर आए दोनों गलत आए हैं सोलो फ्रेंड्री सोलो फ्रेंडरी सर आपके आ रहे हैं ना आप देखो जरा जम्मू नहीं होगा बच्चा जम्मू तो बिल्कुल भी नहीं होगा देहरादून रेलवे स्टेशन हो जाएगा बच्चा कौन सा हो जाएगा आपका देहरादून तो देहरादून रेलवे स्टेशन आपका सही आंसर हो जाएगा कि देहरादून रेलवे स्टेशन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आपका क्या साइनेज और मानचित्र पेश करने का ठीक है देहरादून बहुत बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया सी 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 बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया चलो भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर भारत के पहले गैस ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म का न, का पहला सदस्य कौन बना है जिसे इंडियन गैस एक्सचेंज कहा गया है तो भाई देखो गैस के लिए गैस की ट्रेडिंग के लिए है ना गैस गैस की जो ट्रेडिंग है उसके लिए हमने एक हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया बच्चा क्या बनाया आपका क्या बनाया आई बनाया है ना इंडियन गैस एक्सचेंज तो इस इंडियन गैस एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली काम करने वाली पहली पहली अगर बात करें तो पहली गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में पहली कंपनी बताइए जरा कौन सी हो जाएगी हां अनिकेत कुशवाहा सर बच्चा आज थोड़े से लेट है इसलिए कमेंट में कम पढ़ रहा हूं बच्चा कमेंट इसलिए मैं कम पढ़ रहा हूं एनटीपीसी नहीं होगा बच्चा बिल्कुल सही मनीकरण पावर लिमिटेड कौन सा हो जाएगा बच्चा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मनीकरण ठीक है ना तो मनीकरण बच्चा ठीक है मनीकरण मनीकरण पावर लिमिटेड आपका सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर किस फुटबॉल क्लब ने 2020 इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है चलिए बताइए जरा फटाफट बताइए जरा हिमांशु कुशवाहा सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं बच्चा ऐसी तो कोई बात नहीं है आज बल्कि आज मैं सबके ही कॉमेंट इग्नोर कर रहा हूं ठीक है ना बहुत बढ़िया आप 192 नाइन टू वॉचिंग आभारी रहूंगा, रहूंगा। बताइए फटाफट उन्नीस सौ क्वेश्चन बताइए फटाफट एटी के एटी के फट। 80K, 80K, बहुत बढ़िया भाई जय हिंद नवनीत सर जय हिंद बच्चा जय हिंद एटी के बिल्कुल सही ठीक है ना एटी के आपका क्या हो जाएगा है ना एथलाटिको कोलकाता फुटबॉल कॉरपोरेशन ठीक है ना बच्चा क्लब बच्चा फुटबॉल क्लब ठीक है ना तो ए टी के एफ सी जो है वो आपका क्या जीत गया बच्चा आईसीएल जीत गया ठीक है आईसीएल आपका कौन जीत गया इंडियन सुपर लीग किसने जीता है बच्चा ए टी के कोलकाता ने जीता है ठीक है चलो भाई बात करते हैं भारत सरकार ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को किस अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है <coughs> सॉरी <coughs> चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया चलिए बताइए आपका एसेंशियल कौमोडिटी, एक्ट कब आया था बच्चा ठीक है ना दे, देखो आपका महामारी अधिनियम कब था मैंने बताया था महामारी वाला कब था तो महामारी वाला था 1897, 1897 जिसमें आपका राज्य और केंद्र मिलकर काम करेंगे ये मैंने आपको अभी बताया ना बच्चा और देखो ये सारी की सारी चीजें आप देखो मार्च है ना मार्च जैसे ही खत्म होगा आपको पता है मार्च जैसे ही खत्म होगा तो हमारे देश में कोरोना के मामले बढ़ गए है ना तो आगे जो है चार या पांच महीने आपको सिर्फ कोरोना है हर दूसरे क्वेश्चन में आपको कोरोना देखने को मिलेगा ठीक है ना तो यह थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है थोड़ी सी आपको इसका अब आदत डाल लेनी है धीरे धीरे ठीक है ना तो बिल्कुल सही ठीक है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा एसेंशियल कॉम्युडिटी एसेंशियल कॉम्युडिटी एक्ट 1955 ठीक है बच्चा तो एसेंशियल कॉम्युडिटी एक्ट आपका 1955 के तहत आपके हैंड सैनिटाइजर और मास्क जो है वो आपकी जरूरी वस्तुओं के रूप में शामिल कर लिया था देखो तो अब 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 सारे मैक्सिमम क्वेश्चन कोरोना के आ रहे हैं ना सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित सभी प्रश्नों को स्पष्ट और बच्चों के साथ स्वस्थ स्वस्थ सुझाव साझा करने के लिए कौन सा सुपर हीरो नामांकित किया है बताइए भाई अब बताइए कौन सा सुपर हीरो जो है वो आपका नामांकित किया गया है बताइए जल्दी से बताइए क्या आपका वायु है परमाणु है भोकाल है या ध्रुव है भोकाल और ध्र तो और परमाणु तो हो नहीं सकते बिल्कुल से क्या हो जाएगा बच्चा वायु हो जाएगा कौन सा सुपर हीरो हमने यूज किया बच्चों के लिए अगर बात करें तो किड्स के लिए बच्चा वायु हो ठीक है ना चलिए भाई ठीक है बहुत बढ़िया वायु 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 भोकाल नहीं होगा बच्चा भोकाल नहीं होगा वायु होगा ठीक है वायु हो जाएगा बहुत बढ़िया चलिए बहुत बढ़िया ठीक है चलो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर किस देश ने कोविड नाइन्टीन महामारी को संब, को संबोधित करने के लिए जी ट्वेंटी राष्ट्रों का एक आभासी आभासी मतलब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस शामिल किया था बताओ जरा यह पूछना चाह रहा है कि आपका जी ट्वेंटी कहाँ हुआ सिंपल सी बात ही है आपका जी ट्वेंटी कहाँ पर हुआ यह कहना चाह रहा है बस आपका जी ट्वेंटी इस साल का जी ट्वेंटी कहां पर हुआ यह पूछना चाह रहा है बस बताइए फटाफट बताइए जी ट्वेंटी आपका कहां हुआ दो सो करो फटाफट टू हंड्रेड प्लस लेके जाओ जल्दी से जल्दी अनुराग दिखी सर आपका कमेंट आ रहा है बच्चा सऊदी अरब सऊदी अरब बी 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 बहुत बढ़िया भाई सबका सही आंसर आया है वेब, वेब से सी नहीं होगा बच्चा इंडिया में नहीं इंडिया में कब होगी मुझे बताओ फटाफट बताओ मुझे बताओ कि इंडिया कब जी टी जी ट्वेंटी ट्वेंटी का सम्मेलन जो है वो कब कब कौन से साल में बताओ फटाफट इंडिया भारत होस्ट करेगा भारत ने अभी तक कभी होस्ट नहीं किया याद रखना भारत ने कभी तक होस्ट नहीं किया है जरा इंडिया कब करेगा और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा सऊदी अरब हो जाएगा क्या हो जाएगा सऊदी अरब इंडिया कब करेगा बताइए जरा हिमांशु कुशवाहा यूए नहीं होगा बच्चा यूए तो ऑप्शन में है ही नहीं कमाल करते हो यार बहुत ही बढ़िया भाई अनुसम को बिल्कुल सही आंसर आया है 2022 2022 बिल्कुल सही क्योंकि हमें हमें आजाद हुए कितने साल हो जाएंगे बच्चा पिछहत्तर सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी के ऊपर 2022 में हम इंडिया क्या करेगा जी सम्मेलन को करेगा बताओ भाई अदनान अल जर्फी को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है चलो भाई बताओ जरा 2022 में इंडिया बिल्कुल सही बिल्कुल 2022 2022 बिल्कुल बहुत ही बढ़िया भाई सबका सही आंसर आ रहा है बताइए फटाफट बाईसवीं का क्वेश्चन बताइए बाईसवीं का आंसर बताइए फटाफट तेईसवी का सॉरी तेईस में हो जाएगा ना शायद हाँ तेईसवा जरा हर्ष मिश्रा सर बच्चा मेरी क्लास जो है मेरी क्लास जो है वो 12 से होती है 12 से एक आपका करंट अफेयर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मतलब मैंने रिवीजन करवा रहा हूँ मार्च कल कंप्लीट हो जाएगा बच्चा और एक से दो में हम स्टैटिक्स जीके के डिस्कस करते हैं जो सारे के सारे डिफेंस एग्जाम में आती है ठीक है एक से दो में हम स्टैटिक्स जी डिस्कस करते हैं जो आपके हर एक एग्जाम एक में आती है जो टर्की बोल रहे हैं वो गलत हो जाएगा भाई जो टर्की बोल रहे हैं वो गलत हो जाएगा क्या कर रहे हो ऑफिशियल ऐप से मिलेगा बच्चे पीडीएफ ठीक है चलो इस क्वेश्चन को हटा दो जरा इस क्वेश्चन को हटा देते हैं इस क्वेश्चन को हटा देते क्योंकि इराक के नए प्रधानमंत्री बताओ जरा मुझे इराक के नए प्रधानमंत्री बताओ जरा इसको छोड़ो मुझे फटाफट बताओ जरा इराक सही है इराक तो वैसे, इराक तो वैसे सही आंसर है पर मुझे बताओ कि हाल ही में हाल फिलहाल में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है फिलहाल बताइए जरा इसका सही आंसर इराक हो जाएगा बच्चा इसका सही आंसर इराक हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा इराक हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर सी से रहने वाले एनसीसी कैडेट को बोनस अंक के रूप में सी एफ है ना क्या हो जाएगा सी एपीएफ सॉरी सी सी श्रेणी वाले एनसीसी को बोनस के रूप में सी ए पी एफ एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स को अधिकतम मार्क्स का प्रतिशत मिलेगा बताइए बच्चे आपको पता ना कि हर एग्जाम में आप जाते हो किसी भी एग्जाम में जाते हो तो आपका एनसीसी के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते ही मिलते हैं तो बताइए जरा कि आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे प्रिंस मुस्तफा कहां से लेकर आ गया आप लोग चलिए 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पांच परसेंट बहुत ही बढ़िया भाई पांच परसेंट आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा पांच परसेंट तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा बच्चा पांच परसेंट तो पांच परसेंट जो है ना बोनस है आपके काम करेगा आपका एनसीसी के मार्क्स ठीक है ना एनसीसी ले लो थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा बताओ सरकार ने कोणार्क मंदिर और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को प्रतिष्ठित प्रेस की सूची में शामिल किया गया है कोणार्क सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है अरे ये तो बिल्कुल आसान 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 सा क्वेश्चन डाल दिया मैंने ये तो मैंने निर्भय सर गुड मॉर्निंग बच्चा गुड मॉर्निंग आप जो है ना दोस्तों बच्चे जो लाइव देख रहे हो फटाफट एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए आप सब लोगों का बहुत सारा धन्यवाद मैं तब तक एक बार पी लेता हूं पानी ठीक है उड़ीसा बहुत ही बढ़िया भाई उड़ीसा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे का सही आंसर होगा उड़ीसा ये तो बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन था ना बिल्कुल हलवा सा है ना है ना हलवा मतलब बिल्कुल हल्का सा चलो भाई शेख मुजीबुर रहमान जिनकी जन्म शताब्दी हाल ही में मनाई गई किस देश के संस्थापक अध्यक्ष थे चलो भाई बताओ भाई शेख मुजीबुर रहमान किस देश के फाउंडर प्रेसिडेंट थे चलिए बताइए फटाफट बिल्कुल आसान है ना के बराबर तुरंत बताओ फटाफट बताओ जरा इसे ब्लैक पगौड़ा भी कहते हैं बिल्कुल कहते हैं भाई बिल्कुल कहते हैं अरे वो वाला हलवा नहीं हरियाणा हरियाणा में क्या है हरियाणा वाले बोलते हैं अरे यार भी तो बिल्कुल हलवा हलवा क्या होता है बच्चा इजली इजली हजम हो जाता है ना इजली खाया जाता है ना इसीलिए भले जो जो बिल्कुल बिल्कुल बांग्लादेश बांग्लादेश बहुत सबके सही रहे है। ये होती ना बात। मतलब ये होना जब है बांग्लादेश तो बांग्लादेश जो है उन्होंने क्या किया उन्होंने शताब्दी बनाई है आपके शेख मुजीबर रहमान की ठीक है बहुत बढ़िया संसद में माय एनकाउंटर माय एनकाउंटर इन पार्लियामेंट ये पुस्तक के लेखक कौन है चलिए बताइए भाई ठीक है ना माई एनकाउंटर इन संसद या इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है बताइए फटाफट बताइए जरा अच्छा अमोर तमोर बांग्ला आशी अच्छा हर्ष मिश्रा शेख हसीना के फादर बिल्कुल सही ए बाल चंद्र भारतीय बिल्कुल सही आंसर आया भाई बालचंद्र बाल बालचंद्र ठीक है ना बिल्कुल सही बालचंद्र मुंग ठीक है ना भाई तो एनकाउंटर किसके साथ किया भाले साथ किया, के साथ एनकाउंटर किया है ना भाले के साथ ठीक है ना ये एनकाउंटर किसके साथ हो इसको बाल को भालू कर लो चाहे है ना बाल है ना इसको भालू कर लो एनकाउंटर किसके साथ हो गया भालू के साथ हो गया चलो भाई नेस्कोम ने किस कंपनी के साथ हाल ही में एक्सेसिबल फॉर असेसिबल इंडिया अभियान शुरू किया है बता भाई किसने स्टार्ट किया है इनोवेटिव फॉर असेसिबल इंडिया इंग्लिश वाला पढ़ना बच्चा हिंदी वाला थोड़ा सा गड़बड़ है यह वाला पढ़ना इनोवेटिव इनोवेट फॉर असेसिबल इंडिया किसने स्टार्ट किया है किसके साथ में हा बालू के साथ एनकाउंटर क्या होगा दीप, दीपा भारती 27 का क्या होगा बच्चे बच्चा बोलो 28 का गूगल नहीं होगा बच्चा गूगल तो नहीं होगा सौरभ यादव सर कोई बात नहीं बच्चा कोई बात नहीं अरे कोई तो माइक्रोसॉफ्ट आंसर दे दो सक्सेस मंत्रा का बिल्कुल सही आंसर आया माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस मंत्रा का बिल्कुल सही आंसर आया बच्चा क्या हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट क्या हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ठीक है ना तो Nescom के साथ में ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में स्टार्ट किया है इनोवेट फॉर एसेसिबल इंडिया ठीक है भाई चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलिए भाई बताइए फटाफट बताइए तुरंत बताइए जरा किस राज्य सरकार ने एससीएसटी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण हटाने का फैसला किया है आपको पता है ना वैसे तो एस सी एस टी को अगर बात करें तो आरक्षण रिजर्वेशन तो मिलता ही मिलता है पर वो जब वो पहुंच जाते हैं अपने पद के ऊपर तो आगे जब प्रमोशन की बात होती है बच्चे तो प्रमोशन में भी उनको क्या मिलता है रिजर्वेशन मिलता है तो बताइए किस राज्य ने किस राज्य ने इसको हटा दिया है बताइए बताइए किस राज्य ने इसको हटा दिया गया है, है रब्बा गलत <laughs> इसका आंसर तो यूके है बिल्कुल सही अच्छा 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 भाई इसमें थोड़ा कर लेना चेंज है ना अच्छा ऑप्शन में गड़बड़ हो रखी है बच्चा ऑप्शन में गड़बड़ हो रखी है एक बार देखना आठ दे ठीक है ना ऑप्शन में गड़बड़ हो रखी है इसको उत्तराखंड कर देना मैं भी पता नहीं कहाँ खोए रहता हूँ इसको गुजरात कर देना हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ठीक है ना सही आंसर क्या हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा हटा देना चाहिए सर सबको अरे क्या हटा देना चाहिए मैं भी सोच वेस्ट बंगाल तो है ही नहीं ऑप्शन में <laughs> चलिए कोई ना किस राज्य ने पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली और ई नाइट बीट चेकिंग प्रणाली स्टार्ट की बताए भाई किसने पुलिस स्टेशन विजिटर सर्वे सिस्टम और ई नाइट बीट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया यह तो बिल्कुल आसान है यह करवाया भी हो मैंने बताया भी था आपको संतोष मंडल कहीं नहीं खोया रहता भाई उसका मतलब ये नहीं कि कहीं खोया रहता हूं कहीं खोया रहता तो आज आपके सामने थोड़ी ना होता अभी भाटी साहब गुड मॉर्निंग भाई हिमाचल प्रदेश से ही आंसर हो जाए बच्चा हिमाचल प्रदेश से ही आंसर हो जाएगा आकाश गोस्वामी अगर सब एयरफोर्स एग्जाम कैंसिल है तो बच्चा आप सो ना सबसे पहले बाकी सबको क्यों सुला रहे हो आप सो बाकी सब तो अपने आप करते रहेंगे आप अपनी ध्यान दो ना हिमाचल प्रदेश हो बच्चा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा ठीक है चलो भाई रक्षा मंत्रालय ने सोलह हजार से अधिक लाइट मशीन गनों की खरीदारी के लिए किस देश के साथ एक बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं बताओ भाई हम जो है ना वो सिक्सटीन लाइट मशीन गन हम खरीदने वाले हैं कहां से खरीदने वाले हैं किस देश के साथ खरीदने वाले हैं सर ग्रुप डी के लिए देख सकते हो बिल्कुल देख सकते हो भाई बिल्कुल देख सकते हो बच्चा बिल्कुल देख सकते हो फटाफट यार 223 लोग जो है ना वॉचिंग है और 224 लाइक है मतलब ये कैसे पॉसिबल है फटाफट एक बार फटाफट बच्चा एक बार शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए इजराइल इजराइल बहुत बढ़िया भाई बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा इसराइल तो इसराइल से हम सोलह नई जो है ना गन खरीदने वाले हैं लाइट गन ठीक है ना लाइट मशीन गन ठीक है बच्चा चलिए बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई ठीक है चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर निम्नलिखित में से किसने नवोदित उद्यमियों के लिए स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू की है बताइए बच्चा स्वावलंबन एक्सप्रेस फॉर इंटरप्रेर बताइए बच्चा फ्रांस से राफेल आएगा बच्चा सी इसराइल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसराइल बिल्कुल सही आंसर भाई बाबू जो भी है उनको जय हिंद प्यारा नाम है बाबू बहुत बढ़िया देखा बहुत ही बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद मेरा सारा करंट अफेयर रिवीजन करवा दिया सर आपने थैंक यू भारती मैम से भी बहुत ही बढ़िया भाई से भी नहीं होगा बच्चा सिड भी हो जाएगा सिड भी, भी हो जाएगा से भी नहीं होगा सिड भी हो जाएगा ठीक है ना तो सिडबी आपका क्या होता है बच्चा सिडबी आपका एक बैंक है सिडबी क्या आपका एक बैंक है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद मजा आ गया भाई ठीक है बहुत ही बढ़िया से भी नहीं होगा बच्चा मेरा गलत हो गया सर जी कोई बात नहीं बच्चा देखो गलत अगर हो रहा है ना देखो गलत अगर हो रहा है तो उससे आपको कोई ना कोई एक चीज सबक मिल रहा है ना कुछ सीख मिल रही है कि इसमें यहां पर क्या होगा ठीक है ना मैं हमेशा ये बोलता हूं मैं हमेशा ये बोलता हूं ठीक है ना जो एफर्ट नहीं करते ना उनकी तो जिंदगी है ही नहीं ठीक है ना और अगर आपने एफर्ट किया है तो आपके साथ दो कंडीशन होंगी देखो आपने अगर एफर्ट लगाए हैं आपने प्रयास किया है तो दो चीजें होंगी या तो आप उस प्रयास में सफल हो जाओगे या फिर आपको कोई नई चीज सीखने को मिलेगी ठीक है ना जब भी हमेशा मैं बोलता हूं हमेशा क्या करते रहो आकर आप प्रयास करते रहा करो ठीक है ना हार नहीं माननी है ठीक है ना हार नहीं माननी है सेल्फ फोर्स इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किन नियुक्त किया गया है बताइए भाई सेल्स फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं बताइए फटाफट हाँ मुस्तफा जो है मुस्तफा जो है बिल्कुल सही सिडबी के बच्चा क्या हो जाएंगे आपके हेड हो जाएंगे हिमांशु कुशवा कोई बात नहीं हिमांशु कुशवाहा बच्चा कोई बात नहीं गलत तो होता रहता है ठीक है ना मैं भी बहुत बार गलत होता हूं चिंता मत करो है ना अरुंधति भट्टाचार्य बच्चा आपकी ये पहले एस बी आई एस बी आई की, SBA की, थी ना, की थी आपके है, है, है की क्या, क्या की गई बच्चा अपॉइंट की गई थी क्या क्या अपॉइंट की गई थी चेयरपर्सन ठीक है ना क्योंकि तो ये मार्च की न्यूज है तो मैं बता रहा हूँ ठीक है ना मार्च की ये न्यूज है तो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं सर करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आते हैं वाई ग्रुप में भाई कोई पता नहीं है कोई आइडिया नहीं है बच्चा पांच से सात क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर में आते ही आते हैं डायरेक्टली आपके पांच से सात क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चा ए, वाई ग्रुप में आपके डायरेक्टली ठीक है चलो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है भाई ये ना जाने मैं कितनी बार करवा चुका हूं बताइए जरा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है जल्दी बताइए जिंदगी माता पिता के लिए जीनी है, बिल्कुल भाई बिल्कुल माता पिता के लिए जितना किया जाए वो भी कम रहता है वो हम हम मतलब वो बोलते हैं सात जन्म क्या हम सौ जन्मों में भी उनका ऋण नहीं चुका सकते बहुत ही बढ़िया भाई ये 144 फोर्टी फोर डी 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 बहुत ही बढ़िया भाई एक सर का गलत आंसर आ रहा है वो पता नहीं क्यों आ रहा है डोड 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 जो भी नाम है सर का सबका बिल्कुल सही बहुत ही बढ़िया भाई पूरे नहीं आते भाई पांच सात क्वेश्चन पूरे नहीं आते भाई ग्रुप में क्या करते हो यार कमाल करते हो आप लोग ठीक है ना तो बिल्कुल भाई है ना तो भाई धारा याद रखना धारा एक कब लगती है धारा एक कब लगती है जब हिंसा होती है या कोई ना कोई चीज होती है तो भाई हमारे तो खुशियों पर हमारे देश में जो है ना वो भाई हैप्पीनेस की अगर कर बात करें खुशियों के ऊपर कहीं ना कहीं हमेशा क्या लग जाती है धारा एक लग जाती है ठीक है धारा एक लग जाती है खुशी गायब हो जाती है ठीक है ज्वालम की सात शिखर सम्मेलन को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं जिन्होंने अपना नाम लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्रवेश करवा लिया है चलो भाई बताओ भाई वेलकोनो सेवन सबमिट ठीक है ना धुआं धुआं बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया फटाफट एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए तुरंत ठीक है और यह आपका जो है थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन है आपके साथ क्वेश्चन और रह जाएंगे फटाफट एक बार जो है एक बार लाइक कर दीजिए आप सब लोग तुरंत बहुत सारा प्यार सबको सत्य रूप सिद्धांत बिल्कुल सही भाई बिल्कुल सही बोला भाई सत्य बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं मैंने सात ज्वालामुखी शिखर सिक, सम्मेलन को क्या किया है मैंने कंप्लीट किया है सत्य बोल रहा हूं बोले सर सत्य बोल रहे तो चलो ठीक है आपको रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड बुक में क्या कर लिया जाएगा रख लिया जाएगा ठीक है चलो भाई निम्नलिखित में से किसने आदिवासी उद्यमिता को विकसित करने के लिए टेक फॉर ट्राइबल कार्यक्रम स्टार्ट किया है बताओ भाई बिल्कुल सौरभ यादव सर आज फेस के ऊपर भाई यहां पर दो स्टूडियो दूसरा है ना स्टूडियो दूसरा है उसकी लाइटिंग जो है ना वो सही है उसका फोकस सही है इसलिए चमक रहा हूं ठीक है <laughs> ट्राइफर्ड बिल्कुल सही बिल्कुल सही भाई बहुत बढ़िया ट्राइफर्ड सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ट्राइफर्ड तो ट्राइफर्ड जो है उसने क्या किया है किसके लिए ट्राइबल्स के लिए बच्चा याद रखना ट्राइफर्ड ने किसके लिए काम किया ट्राइबल्स के लिए किया टेक फॉर ट्राइबल्स ठीक है तो ट्राइफर्ड ने किसके लिए काम किया बच्चा ट्राइबल के लिए काम किया बहुत ही बढ़िया शानदार जबरदस्त जिंदाबाद विश्व जल दिवस 2020 का विषय क्या था बताओ भाई थीम बताओ फटाफट वर्ल्ड वाटर डे की और मुझे फटाफट बताओ कि वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है चलिए तुरंत बताइए जरा बहुत बढ़िया एक बार सेशन को जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए हां ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा बिल्कुल सही सर आप तो एकदम सन्नी दियो लग रहे हो अरे रे मतलब आप लोग भी खतरनाक ही हो ना जहर हो आप सब लोग जहर कौन सा जहर मीठा वाला जहर है ना चलिए बहुत बढ़िया हाय रब्बा फिर गलत हो गया क्लाइमेट <laughs> चेंज बहुत बड़े भाई 22 मार्च को आता है क्लाइमेट चेंज ये देखो पूरा को पूरा कमेंट बिल्कुल सही है भाई बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़े भाई क्या हो जाएगा क्लाइमेट चेंज वाटर इन क्लाइमेट चेंज और 22 मार्च को आपका आता है 22 मार्च को आपका आता है क्या वाटर डे है ना और थीम भी करवाई हो ना मैंने इसके ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स भी करवाई हुई ना किसी को अगर देखनी है तो शॉर्ट टिक्स देख सकते हो आप जाके किसके ऊपर अपने ही डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल के ऊपर एफकेट नाम में तो डालना क्या यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब के ऊपर क्या डालना एफकेट बाई रवि सर आपको सारी की सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी ठीक है ना इंपोर्टेंट डेज के ऊपर हमने वहां पर क्या बोला था कि आठ महिलाओं की दस किडनियों को बारह कंज्यूमर के जरिए है ना है ना है ना पंद्रह कंज्यूमर के जरिए बीस बीस स्पैरो के जरिए खुशी खुशी इक्कीस वाटर बोट में है ना ठीक है तो वो सारी सारी मैंने बताई थी आपकी पूरी की पूरी ट्रिक ठीक है पूरी ट्रिक बनी हुई है ठीक है ना चलिए 22 मार्च यस सर वोटर एंड क्लाइमेट चेंज चलो भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर फट. अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा देखते हैं भाई क्या नाम है अच्छा चलो बताओ जरा एंड्रू एलिस कौन है एंड्रू एलिस हुउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ही प्लेड फॉर विच नेशन बताओ भाई हाँ दो फरवरी को वेटलैंड है तो बिल्कुल सही बाईस मार्च का सही जहर सर सोना भी है पांच बिल्कुल बिल्कुल बच्चा फटाफट करवा तो चिंता मत करो बस दो मिनट के अंदर अंदर एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा चलो ये आपको मैंने होमवर्क दे दिया कमेंट में बताना जरा मुझे इसका कमेंट में बताना फटाफट चलिए ठीक है चलो भाई अगला क्वेश्चन बताता हूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने योजना बनाई है कि वित्तीय वर्ष दो हजार के लिए नए उपग्रह और प्रशिक्षण यान सहित कितने मिशन लॉन्च किया जाएगा बताओ फटाफट बताओ जल्दी बताइए फटाफट बताइए कितने मिशन कितने मिशन इसरो इसरो बनाने वाला है टुडे इज माय बर्थडे अमित सिंह नेगी भाई भगवान आपको हमेशा खुश रखे आपकी अच्छी सरकारी नौकरी लगे और आप हमेशा अपने जीवन में दुखी बेसारा लोगों की हमेशा सहायता करते रहें राम चौहान का बिल्कुल सही आंसर आया छत्तीस बिल्कुल सही थर्टी सिक्स भाई ठीक है ना थर्टी सिक्स जो है वो मिशन लॉन्च करेंगे हम दो हजार बीस इक्कीस में ठीक है ना इसरो दो हजार बीस इक्कीस में कितने मिशन लॉन्च करेगा कितने छत्तीस चलो बताओ फटाफट फ़ट। एज पर द लेटेस्ट की वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक पब्लिश बाई द आई ए है ना आई ई ए क्या हो जाएगा बच्चा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड बताइए भाई बिजली का सबसे बड़ा कौन सा उत्पादक बन गया भारत नेक्स्ट क्लास अगली मिनट में बच्चा नेक्स्ट क्लास जो है वो अगली दो मिनट में है सर गाना सुनाते जाना में है? अच्छा जी थर्ड हो, जाए हो जाएगा भाई थर्ड 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 ठीक है ना थर्ड भाई ठीक है कौन सा हो जाएगा थर्ड हो जाएगा चलो भाई कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी मई में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगी बताइए भाई विच स्पेस एजेंसी विल सेंड एस्ट्रोनॉट टू द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन मे बताओ फटाफट सुमित संघ नेगी सर मेरी बेस्ट विशेष है आप जल्दी ही ऑफिसर बन जाएंगे हिमांशी सिंधु मैम 144 धारा 144 लगी हुई है ना खुशी के ऊपर हैप्पीनेस के ऊपर चलिए भाई ठीक है ना ये एलान मस्क वाली है जो स्पेस एक्स है ठीक है ना स्पेस एक्स जो है वो एलान मस्क वाली है चलो भाई हाल ही में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान प्रस्थान एनबीआरआई लखनऊ ने किस नकदी फसल की एक श्वेत प्रतिरोधी किस्म विकसित की है बता भाई व्हाइट फ्लाई जो है आपकी ठीक है ना वो आपकी कौन सी फसल को क्या करते नुकसान पहुंचाती जल्दी बताओ फटाफट दुरूर शख्स ना सर बारह से एक में क्लास होती है बच्चा मेरी करंट अफेयर की और दो, ए, दो एक से दो में होती है स्टेटिक जीके की आपकी सारे के सारे एग्जाम्स के लिए टी नहीं हो बच्चा कपास हो जाएगा कॉटन हो जाएगा ठीक है कपास हो जाएगा कॉटन हो जाएगा आपका ये सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा कॉटन हो जाएगा तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म हो रही है फटाफट एक बार जो है जिन्होंने वो जो 250 फिफ्टी वॉचिंग आप सबकी आप सब, आप सब को बहुत सारा प्यार एक बार एक बार फटाफट को लाइक कर दीजिए तुरंत की तुरंत चलिए भाई ठीक है तो आज की क्लास जो है हम यही ख़त्म करते हैं अगली वाली क्लास में अभी एक से एक मिनट के अंदर अंदर अगली वाली क्लास में आपको मिल जाऊंगा तुरंत फटाफट ठीक है चलो तो आप सब लोग अपना ध्यान रखना आप सबको बहुत सारा प्यार ठीक है कल मिलते हैं ठीक है ना कल मिलते हैं इसी टाइमिंग में ठीक है कितना बारह से एक में ठीक है और स्टैटिक जीके के लिए जितने भी सारे लोग हैं वो आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल आराम से ठीक है ठीक है तो सबको भाई बाय गुड नाइट दे सारा प्यार राम राम ठीक है ना हाँ ठीक है चलो भाई ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए ठीक है ओके जय हिंद